नमस्कार दोस्तों, मैं पेरिन मोती आप सबका स्वागत करते हूँ हमारे एक और नए एपिसोड। ये एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। ई रूपी क्या होती है और इसे हम कैसे इश्यू करा सकते हैं और इसे कौन कौन इश्यू करा सकते हैं, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो आइए बिना कोई देरी के हम जानते हैं ई रूपी के बारे में। तो इसकी कहानी शुरू होती है 2015 में, जब मोदी सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जिसके द्वारा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए थे। और जब 2012 में NPCI को भी जब लॉन्च किया गया था, कि जो कि हमारे जितने भी मोबाइल बेस्ड मनी ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन है जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम UPI और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे ये नज़र रखती है। और अभी 2016 में UPI को भी लॉन्च किया गया था, कि जिसका हम जानते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से भी। ये पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे की एक एप्लीकेशन की और अल्टरनेटिव्स है, जिसके साथ साथ रुपे को भी लॉन्च किया गया था, जैसे कि यह मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड आते हैं उसी का एक अल्टरनेटिव को इंडियन अल्टरनेटिव को रुपे के नाम से भी जानते हैं। को UPI द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया था अभी 2 अगस्त को। इसको NPCI जैसे कि नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया है, और साथ साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस ई रूपी को डेवलप किया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँ कि हम कैसे इसको इश्यू करा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाना चाहूँगा। तो आइए उस पर नज़र करते हैं। तो एक राम नाम का लड़का होता है और एक श्याम नाम का लड़का होता है। अभी राम को कोई पैसे की ज़रूरत है 2000 रुपये दवाइयाँ खरीदने के लिए, तो वो श्याम के पास से मदद मांगता है। लेकिन फिर श्याम को डाउट होता है कि कहीं ये सारे पैसे कहीं और जगह पर इस्तेमाल ना करते, इसलिए श्याम को ई रूपी का ख्याल आता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ई रूपी का इश्यू कराने से पहले एक बात बता दूँ कि ई रूपी को कोई इन 8 ही बैंक में सब इश्यू करा सकते हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो राम इनमें से किसी एक बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ई रूपी इश्यू कराना है। तो उसके लिए उसको कुछ नहीं तो सिर्फ एक नंबर देना होता है, कि जो कि उसका रजिस्टर्ड नंबर होगा बैंक अकाउंट पे, जिसके द्वारा उसके बैंक अकाउंट से वो लोग लिंक कर देंगे और उसको एक QR कोड और एक दूसरा कोड भी मिलेगा, जो कि यही QR कोड और वो कोड श्याम के मोबाइल पे भी आ जाएगा और राम के मोबाइल पे भी आ जाएगा। इसलिए अगर राम और श्याम को अगर ये QR कोड यूज़ करना हो, तो वो लोग इस QR कोड के मदद से ही जो पैसा है उसका ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं ई वाउचर। अगर इस QR कोड की मदद से ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन ना हो और आपके पास साधा कीपैड का फ़ोन हो, तो उस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि QR कोड का। अभी जब राम को पैसे चाहिए तो वो किसी भी केमिस्ट या फार्मेसी की दुकान पे जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसे हम सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, तो दुकानदार के पास पहले से एक रजिस्टर्ड स्कैनर होता है, जो कि सिर्फ ई रूपी के जो QR कोड और जो उसके कोड को होता है उसके ही सिर्फ उसको एक्सेस कर पाता है। उस केमिस्ट को, फार्मासिस्ट को ये QR कोड स्कैनर बैंक से ही अप्रूव कराने होंगे, और इसको उसका पता होगा कि मुझे फार्मेसी के और जो दवाइयाँ खरीदने के लिए जो QR कोड स्कैनर होता है उसका ही मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा। इसमें सिर्फ आप एक ही बार चॉइस फिलिंग कर सकते हो, फिर दूसरी बार इस चॉइस फिलिंग का आपको मौका नहीं मिल सकता। तो बस इसी के द्वारा राम केमिस्ट के पास जाएगा, केमिस्ट को बताएगा कि मुझे ई रूपी से पेमेंट करना है। तो वो अपना QR कोड या तो फिर कोड वो केमिस्ट अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करेगा, और जैसे इंस्टॉल करने के बाद वो QR कोड उसे बता देगा कि ये 2000 रुपये इसके श्याम ने राम को भेजे थे, और राम इस QR कोड को अभी रिडीम कराना चाहता है। और जैसे ही QR कोड अप्लाई करेगा और QR कोड रिडीम हो जाएगा, जो 2000 रुपये जो श्याम के पास थे वही सीधे अब आ जाएंगे वो दुकानदार के पास। इस द्वारा हमें पता चलता है कि श्याम ने राम की मदद एक ई रुपये के द्वारा की गई थी। और इसमें प्रोडक्ट बेस्ड मैकेनिज्म तभी काम करती है, अगर मान लो कि अगर राम ने कोई पैसे मानो कि 1000 रुपये केमिस्ट को दे दिए और बाकी के 1000 रुपये किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, तो कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक जो दुकानदार होता है उसके पास एक परफेक्ट और एक प्रॉपर QR कोड होता है, जो कि कोई एक ही प्रोडक्ट के सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है, जो कि श्याम ने पहले बैंक में जब इशू कराते वक्त वही प्रोडक्ट को मैच करवाया होगा।
अगर दोनों एंड प्रोडक्ट और आउट प्रोडक्ट दोनों मैच हो जाती है तभी ही वो क्यूआर कोड रेडी होगा। मान लो कि श्याम ने अगर वहाँ पे मेडिसिन की जगह कोई और नाम लिखा दिया होता और जो राम है वो मेडिसिन की दुकान पे जाके क्यूआर कोड को मैच करवाना चाहता होगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ही इसे हम प्रोडक्ट बेस्ड मैकेनिज्म कहते हैं। तो मैं दोस्तों आशा रखता हूँ कि अगर आपको ये ई रुपी के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको नॉलेज मिला होगा कि इस तरह से आप इस ई रुपी को इश्यू करा सकते होंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उस पर आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए।